आज हम बनाएंगे कच्चे आम के खट्टी मीठी एकदम चटपटी लौंजी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इसे 8 से 10 दिनों के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए। बहुत ही जल्दी भी बनकर तैयार हो जाता है। आप इसे रोटी, चावल, नान, किसी भी चीज़ के साथ खाइए और इसे अब 8 से 10 दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज हमारी रसोई में दोस्तों कच्चे आम का बहुत ही टेस्टी लौंजी बनने जा रहा है। तो मैंने सारे आम को नहीं छीले हैं दोस्तों, सिर्फ मैंने 2 से 3 आमों को छील लिया है और बाकी मैंने छिलका नहीं उतारा है। उसके बाद मैंने दोस्तों 1 आम का 4 पीस किया है। इस तरीके से मैंने इसका बीज निकाल दी हूँ और इसको काट के पानी में रख दी हूँ ताकि हमारा आम काला ना पड़े। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। तो मैं इसमें तेल सरसों का तेल बना रही हूँ दोस्तों। तो मैं इसमें डाली हूँ मेथी दाना, कलौंजी और जीरा। उसके बाद दोस्तों मैं इसमें डाल रही हूँ काली राय। तो सभी चीज़ को हम अच्छे से भून लेंगे इसको, जब तक अच्छे से चटक ना जाए। ये सब ज़रूर डालिएगा, इससे आम का लौंजी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद दोस्तों हम सारे आम को इसमें डाल देंगे। इसको हम करीब 1 से 2 मिनट तक 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि हमारा आम का कलर चेंज ना हो जाए। तब तक हम इसको भून लेंगे ढक कर 3 मिनट तक। तो चलिए इसको हम ढक देंगे और 3 मिनट तक भून लेते हैं। तो इसको हम चलिए ढक देते हैं। तो 3 मिनट हो गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं आम का हमारे कितना कलर चेंज हो गया है इसका। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार, आप इसे सादा नमक या फिर काला नमक भी डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये सारे खड़े मसाले हैं जो मैं इसको कूट कर डाली हूँ। इसमें है धनिया जीरा, काली मिर्ची और 1 सूखी मिर्ची है। इसलिए मैं सभी को दरदरा कूट कर इसमें डाली हूँ। इससे आम का लौंजी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों, इसलिए आप इसे ज़रूर डालिए। इसके बाद हम और कोई मसाला हम इसमें नहीं डालेंगे दोस्तों, और इसको हम सिर्फ 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से आम में सेट हो जाए। इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट तक भून लेंगे। तो 2 मिनट हमारे हो गए हैं दोस्तों। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कटोरी करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, हमारा आम अच्छे से पक जाएगा दोस्तों, अच्छे से पकेगा और अंदर तक हमारा मसाला जाएगा। जब हम इसे स्टोर करके रखेंगे दोस्तों, ये जल्दी ख़राब नहीं होती है दोस्तों। तब इसे जब हम 8-10 दिन के लिए रखेंगे तब इससे पता भी नहीं चलेगा दोस्तों कि ये बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों। देख सकते हैं हमारे लौंजी कितना अच्छे से पक गए हैं दोस्तों, और देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा लौंजी पक गया है अंदर तक। और इसमें हम साथ ही इसमें डालेंगे दोस्तों ये हमारा शक्कर। मैं करीब यहाँ पर छोटा कटोरी से 1 कटोरी करीब शक्कर डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो दोस्तों, कम या ज़्यादा, आपको जितना पसंद है उतना। और डिपेंड करता है दोस्तों आपके आम पर भी कि आपका आम कितना खट्टा है, इसलिए आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो इसको डालने के बाद दोस्तों हम बिना ढके 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे और ढकेंगे नहीं दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारी चीनी भी अच्छे से घुल जाएंगे और थोड़ा ठीक हो जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों अच्छे से हमारे चीनी गल गए हैं। और मैं यहाँ पर 1 सूखी मिर्ची डाली हूँ, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्ची खा सकते हो।
तो हमारा लोंजी बनकर तैयार है दोस्तों। अब इसको मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है देखने में, उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा ये खाने में। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो लीजिए हमारा लोंजी बनकर तैयार है दोस्तों। अब इसे रोटी, चावल, पराठा, नान, किसी भी चीज़ के साथ खाइए दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको एक ठो दिखाती हूँ दोस्तों कि कितना अंदर तक हमारे कैरी पके हैं, मतलब अच्छे से पके हैं दोस्तों। देख सकते हैं हमारा, देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छे से अंदर तक गत रहे हैं। इसको मैं पलट देती हूँ दोस्तों, उसको देख सकते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। और आप इसे 8-10 दिन तक स्टोर करके भी रख कर खाइए दोस्तों। आप गर्मियों में आम ज़रूर बनाइए और इसका एंजॉय कीजिए। बाय बाय।